Hi students, so let's start with the today's lecture. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया है आपका जो salivary glands है उसके बारे में, उसका location हमने पढ़ा. तो we have studied about the salivary gland, what is present in the buccal cavity. In the there are three pairs of salivary glands are present in the buccal cavity. We have discussed. तो उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि there are three glands. Three pairs of glands actually, parotid gland, then submandibular gland, then sublingual gland, है ना? तो चलिए आज हम उसके आगे पढ़ेंगे. तो saliva के बारे में हमने पढ़ा था. saliva के जो types होते हैं basically दो तरह के होते हैं. एक होता है watery, दूसरा होता है mucus type, है ना? कौन सा cell रहता है, which type of cell is there, which is actually present in that saliva. So that all that we have discussed already. So in the today's lecture, we are starting with the next topic. That is your pharynx. देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि just after the buccal cavity, what is the next part? What is present? That is your pharynx. What is the area is present? That is your pharynx. Right? So pharynx is the next area which is present. Right? So what is pharynx? See देखो pharynx जो है ना ये आपको बहुत ही important part है. फैरिंग जैसे बकल कैविटी एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है, वैसे फैरिंग जो है ना ये एक इट्स एक्चुअली अ रीजन और इट्स एक्चुअली अ एरिया, इट्स एन एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो पहले पढ़ लेते हैं. सी फैरिंग्स इज नॉट अ स्ट्रक्चर बट इट इज एन एरिया. द लोअर नेक रीजन इज फनल लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि अगर आप यहां ध्यान दोगे. सो लेट मी यूज द हाइलाइटर. या इफ यू सी हियर इन दिस एरिया फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम दिस फ्रंट एंड द इन द बैक पार्ट, इफ यू सी इन द नेक एरिया, नेक रीजन, देयर इज अ फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर. कैन यू सी दिस? जस्ट आफ्टर द चिन, इफ यू सी, इट्स अ फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर इज कमिंग. सो दिस जोन, दिस एरिया, दिस फनल लाइक जोन, ठीक है, दिस फनल लाइक जोन, दैट इज नोन एज फैरिंग्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि फैरिंग्स है क्या. फैरिंग्स कोई अलग से ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक जोन है, एक एरिया है जस्ट बिलो द नेक. ठीक है, अब बोलोगे सर कहां से कहां तक? देखो बकल कैविटी जहां से खत्म होता है वहां से लेके कहां तक, जहां पे आपके विंड पाइप और फूड पाइप मतलब ट्रैकिया और जो ईसोफेगस जहां पे जाके जहां पे ओपन होता है वहां तक. ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फैरिंग्स का, इसको हमने बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया. वी हैव डिवाइडेड द एंटायर स्ट्रक्चर और एंटायर रीजन, दैट इज अ फैरिंग्स. यू कैन सी हियर आई हैव डॉटेड. यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने डॉटेड लाइन से समझाने की कोशिश की है. द फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर यहां से लेके पूरा आपके जहां पे नेजल चेंबर चेंज मतलब खत्म हो जाते हैं, नेजल चेंबर फिनिश होता है. दिस इज अ नेजल चेंबर. व्हेन इट फिनिशेस एंड यू कैन सी द यूवुला, वी हैव डिस्कस्ड राइट. सो द यूवुला यू कैन सी हियर. सो हियर द नेजल चेंबर फिनिशेस एंड हियर द बकल कैविटी आल्सो फिनिशेस. दिस इज द टंग, दिस इज द लोअर जॉ. राइट, तो यहां से लेके ये पूरा जो पूरा जोन है आप देखो, दिस एंटायर जोन, दिस इज कॉल्ड फैरिंग्स. इसको फैरिंग्स कहते हैं. बहुत ध्यान से समझना है फैरिंग्स क्या है. ठीक है, सो फैरिंग्स इज नॉट अ स्ट्रक्चर. व्हाट इज इट? इट्स अ रीजन और इट्स एन एरिया. ओके, इट्स एन एरिया जस्ट आफ्टर द बकल कैविटी इन द नेक रीजन. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैरिंग्स. ठीक है, अब देखो फैरिंग्स को हमने डिवाइड किया है कुछ डिफरेंट जोन्स में. देयर आर थ्री डिफरेंट जोन. नंबर वन इज योर ओरोफैरिंग्स, नंबर टू इज योर नेजोफैरिंग्स, नंबर थ्री दैट इज योर लैरिंगोफैरिंग्स. देखो ओरोफैरिंग्स हम किसको बोलते हैं ना, मींस ये हम बोल सकते हैं कि एट द एंड पार्ट ऑफ द, जब हम अपना मुंह खोलते हैं अगर हम देखेंगे तो हमारे हमारे बकल कैविटी के जो the most posterior part of the buccal cavity, actually the posterior end of the buccal cavity, it is considered as oropharynx. उसको हम बोलते हैं oropharynx. ठीक है, अच्छा उसके बाद buccal cavity के बाद जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखना, तो ये देखो buccal cavity का end part है. This is the end part of our buccal cavity. इस end part को हम मानते हैं oropharynx. इसको हम क्या कहते हैं? oropharynx कहते हैं. ठीक है, और बकल कैविटी के एंड में आफ्टर द यूवुला, इफ यू सी वेयर दीज इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स क्या है, यहां से बाहर जो बाहर से क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स है, और वो जब अंदर से यहां पे खुलता है, व्हेन इट ओपन इनसाइड विद थ्रू टू ओपनिंग्स, देयर आर टू ओपनिंग्स थ्रू व्हिच इट ओपन्स हियर इन इनसाइड दिस एरिया इन द फैरिंग जोन. सो इन दैट जोन, दैट एरिया जस्ट आफ्टर द इंटरनल नेयर्स, or where just where the position where the or the area where the internal layers opens,
दैट पार्ट दैट एरिया, उस एरिया को वहां से लेके जो एरिया है उसको हम कहते हैं नेजो फेरिंग. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नेजो फेरिंग. ठीक है. नाउ लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड द एंड पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट और द एंड पार्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर हियर द फेरिंग रीजन वेर एक्चुअली द you know like where we the opening of the trachea and the food pipe that is the esophagus are there. Ab dekho yahan pe esophagus bhi hai, trachea bhi hai. Trachea kya hai? This is the windpipe through which the air is going inside and this is the food pipe, that means the food is going through this part. Theek hai. Esophagus ke through kya jata hai? Hum jo khate hain wo jata hai na esophagus ke through, right? And through the trachea it is going, there is air. तो यहां पे क्या है ना, एक्चुअली इन दिस पार्ट हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, एट दैट टाइम यू कैन सी दैट वी विल स्टडी देयर इज अ पार्ट कॉल्ड लैरिंग्स. यहां पे लैरिंग्स रहता है, ठीक है. और ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस एंड ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज गलेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है आपको कि ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज गलेट, ओपनिंग ऑफ trachea is known as glottis. ठीक है, तो यहां पे larynx रहता है. larynx क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, हम वो बात करेंगे जब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट इज वाई द रीजन ऑफ दिस रीजन ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज लैरिंगो फेरिंग्स. दिस रीजन ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज लैरिंगो फेरिंग्स. क्या है ये? इसको हम कहते हैं, इस जोन को हम कहते हैं लैरिंगो फेरिंग्स. ठीक है ना. चलिए, तो यहां तक समझ में आया. सो यू जस्ट पॉज इट एंड यू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी दिस इज द अपर जॉ, दिस इज द नोज, दिस आर द नॉस्ट्रल्स. ठीक है, सो दिस इज द नेजल चेंबर. ओके, नाउ हियर वी हैव द टंग, दिस इज द लोअर जॉ, दिस इज द अपर जॉ. ओके, दिस इज द फेरिंग्स एरिया, टोटल फेरिंग्स एरिया, दिस इज ओरोफेरिंग्स, दिस इज इंटरनल नेयर्स एंड दिस इज आई एम नॉट This one I have not marked, but this is uvula. You can mark it as well. This area, this region is called nasopharynx. This region is called oropharynx, and this region is called laryngopharynx. Right? This is trachea. Okay. This is the opening of the trachea is called glottis, and the opening of the esophagus is called gullet. This is food pipe. This is wind pipe. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is now the opening of the trachea is known as what? It is known as glottis. I have just now discussed and covered by flaps known as epiglottis. अभी देखो opening जो होता है आपका trachea का उसको हम कहते हैं glottis और इसके ऊपर एक flap रहता है, इसमें covering रहता है, वो खुला नहीं रहता हमेशा, जब हवा अंदर आती है तब खुल जाता है. When the air is coming inside, it opens. And in normal times, it is always remain closed. ठीक है? तो वो there are some flaps which are present on the trachea, which or the opening that is called on the glottis. And those flaps are known as epiglottis. 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 ठीक है? Spelling ठीक कर लेना. epiglottis. epiglottis. Okay. Now the opening of esophagus is known as gullet. So opening of esophagus is known as gullet. So gullet हम किसको कहते हैं? जो esophagus का opening है उसको हम कहते हैं gullet. ठीक है? तो एक चीज मैं यहां फिर से बता देता हूं, नहीं तो फिर आपको confusion हो सकता है कि ये वाला जो part मैंने ये mark किया है ना यहां, This is nothing but the muscular area, ना muscular part of our neck. ठीक है, ये neck का muscular part है. So be careful, muscular part है और जो आपका bone part है वो है vertebral part है. ठीक है, तो so be careful. So don't get confused, हाँ. Fine. So we'll move on to the next slide and we'll discuss further. Fine. Now the pharynx can be divided further in three regions. तीन part में pharynx को divide किया जाता है. Okay, the first part is called nasopharynx, next part is called oropharynx, third part is called laryngopharynx. So nasopharynx ke bare mein thoda point yahan pe detail mein discuss karte hain fir se. So nasopharynx means
where the internal nares are opens, and these internal nares are not in number, are two in number, ठीक है, an opening of eustachian canal or two. This is the connection between the buccal cavity and the middle ear. तो यहां पे थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, फिर से एक बार डायग्राम में वापस चलते हैं डिस्कस करने के लिए. Let us go back to diagram. So let us discuss. देखो यहां पे ध्यान से देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉस्ट्रिल्स यहां पे है, आपको पता है, एंड नॉस्ट्रिल हैव टू ओपनिंग्स, है ना. उसके बाद अंदर में क्या होगा, टू ओपनिंग्स आर एक्चुअली गोइंग एंड जॉइनिंग विद द नेजल चेंबर, है ना. उसके बाद नेजल चेंबर जाके कहां ओपन हो रहा है, इट इज ओपनिंग इन द फेरिंग्स एरिया, है ना, जस्ट आफ्टर द बकल कैविटी वेयर द यूवियोला इज ऑल्सो प्रेजेंट. और यहां पे जैसे नोस्ट्रिल के दो ओपनिंग है, बिल्कुल अंदर में भी, बाहर में दो ओपनिंग है, अंदर में और इनसाइड ऑल्सो देर आर टू ओपनिंग, दैट इज those openings are not, now we are not call, we never call them as nostrils, we call them as internal nares. ये external nares हो गया, वो internal nares हो गया, ठीक है, अंदर की तरफ खुलता है. इसके साथ और क्या होगा, another one more opening is also there, which is that opening that is called eustachian canal, वो भी यहीं पे open होता है. और वो कहां रहता है, वो कहां से होता है, यहां पे हमारा middle ear, हमारा ear यहां पे है, ठीक है, हमारा कान होता है अंदर. तो हमारे ईयर के बेसिकली तीन पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे. पहला पार्ट है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा पार्ट है मिडिल ईयर, तीसरा पार्ट है इंटरनल ईयर. तो ये जो मिडिल ईयर का पार्ट है, वहां से एक कनेक्शन हमें जो बकल कैविटी आगे खुलता है उसे उस, और जिसके थ्रू, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कनेक्टिंग द मिडिल ईयर एंड इट्स दैट कनेक्शन इज ओपन हियर. उस ट्यूब जो मिडिल ईयर से एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बकल कैविटी में आके खुलता है, और उस कनाल को हम कहते हैं, जो कनाल मिडिल ईयर से बकल कैविटी तक कनेक्टेड रहता है उसे हम कहते हैं यूस्टेशियन कनाल. क्या कहते हैं हम उसे, यूस्टेशियन कनाल, ठीक है. सो मिडिल ईयर से लेके जो कनेक्शन, जो कनाल बकल कैविटी तक होता है उसे हम कहते हैं यूस्टेशियन कनाल. अब देखो यूस्टेशियन कनाल क्या होता है ना, इसमें एयर रहता है. तो आपने कभी फ्लाइट में सफर किया होगा, व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड इन, I think you have all experience of flight experience. You already all you have, right? So when we travel in flight, when the plane is gaining the height, so we may have a feeling of, you know, like pressure will build in our middle ear or in our ear. We can feel that, right? So at that time, this eustachian canal actually help us to release the pressure from the middle ear. ठीक है, तो हम जब वो चैप्टर आएगा उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो द सेम थिंग इज रिटन हियर, वेयर द इंटरनल नेयर्स आर ओपन, द इंटरनल नेयर्स आर टू इन नंबर, दैट इज आल्सो वी हैव डिस्कस. नाउ ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन कनाल और ट्यूब, एंड दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द बकल कैविटी एंड द मिडिल ईयर, देयर आल्सो दैट थिंग इज आल्सो प्रेजेंट देयर, एंड दिस रीजन इज कॉइल्ड, सॉरी, लाइंड विद सीलिएटेड कोलुमनार स्यूडो सैक्रिफाइड एपिथेलियम. अब ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, नेसोफैरिंजियल रीजन या नेसोफैरिंग जिसको आप कहते हैं, दिस रीजन इज लाइंड विद सीलिएटेड कोलुमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. तो हमने एनिमेटेशन में पढ़ा था कि सीलिएटेड कोलुमनार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब क्या हो गया, कोलुमनार मतलब सेल का शेप होगा, कोलुमनार शेप का, सीलिएटेड मतलब सीलिया होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब हमने क्या पढ़ा था, बैंड फॉर्मेशन, लेयर्स. तो यहाँ पे सूडो मतलब क्या है, कोई बैंड फॉर्मेशन नहीं है लेकिन देख के लगता है कि है, ठीक है, और ये है क्या, दिस इज एपिथेलियम. फाइन, सो इट इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट, ओरोफेरिंग्स. अब ओरोफेरिंग्स कहां पे है, से देखो, माउथ लीड्स इन टू द वाइड ओपनिंग नोन एज ओरोफेरिंग्स. ठीक है, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो बकल कैविटी है, हमारा जो मुंह है, हमारा जो माउथ है, उसके बाद जो पोस्टीरियर एयर की तरफ हम जितना जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट्स अ वाइड ओपनिंग, एक बहुत बड़ा ओपनिंग हमें दिखने मिलता है, देखने मिलता है, उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज ओरोफेरिंग्स. क्या कहते हैं उसे, ओरोफेरिंग्स. ठीक है, सो द बकल कैविटी ओपन्स इन टू, और द बकल कैविटी ओपन्स इन द ओरोफेरिंग्स. तो बकल कैविटी किसमें ओपन होता है, ओरोफेरिंग्स पे ओपनिंग. ठीक है,
तो बकल कैविटी जहां खत्म होता है वहां पे क्या हमें मिलता है, क्या स्टार्ट होता है, ओरोफेरिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको. नाउ इट इज लाइंड विथ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ये ओरोफेरिंग्स का जो एरिया है वहां पे कौन सा एपिथेलियम, किस तरह के एपिथेलियम से बना होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, NKSS शॉर्ट में. केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन सेक्रेशन या मतलब डिपोजिशन होता है, नॉन केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता है. हमने पहले हम टिश्यू जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, सो आई बिलीव यू हैव रिमेंबर दैट, यू शुड रिमेंबर दैट, राइट. सो इट इज लाइंड विद द नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड मतलब बैंड फॉर्मेशन है, लेयर्स रहता है यहाँ पे. ओके, नाउ नंबर सी, नंबर थ्री इज लैरिंगोफैरिंग. सी, near the opening of the trachea, that is near the glottis or larynx, near the glottis or the larynx, and it is lined with NKSS, that means non-keratinized stratified epithelium. तो laryngopharynx किस एरिया को हम बोलते हैं, near the opening of the trachea, trachea के opening के पास, और good by especially trachea के opening के पास जहां पे glottis होता है, जिसको हम larynx भी जहां पे होता है मिलता है हमें, बिल्कुल उसके पास जो area है उसे हम बोलते हैं laryngopharynx. और वहां पे किस तरह का एपिथेलियम रहता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट विल बी व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो फैरिंजियल जो रीजन है, हमने देखा अभी हमें क्या पता चल गया कि फैरिंग्स क्या है. फैरिंग्स एक्चुअली एक स्ट्रक्चर जो है, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर, इट्स अ रीजन, ठीक है. फैरिंग जो एक रीजन होता है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है. अब जो फैरिंग रीजन है ना, वहां पे ना अलग और हमें स्ट्रक्चर मिलता है, वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है. सो इन द फैरिंजियल रीजन रीजन देर आर टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट, विच आर एक्चुअली फॉर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है. Now all the tonsils are present in the area of the in the area of the lower buccal cavity area of the pharynx. तो maximum जितने भी tonsils है हम वो हमें कहाँ, जो सभी जो tonsils जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें, कौन से part में, कौन से area या region में, that is in the pharynx region or pharynx area, ठीक है. तो pharynx के region में हमें ये tonsils मिलता है, ठीक है. Now as these tonsils are lymphoid tissues. अब ये टॉन्सिल्स क्या है ना, बेसिकली ये टॉन्सिल्स क्या होता है ना, लिम्फोइड, दिस टॉन्सिल्स आर नथिंग बट दे आर द लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है. लिम्फोइड टिश्यू मतलब क्या है, लिम्फोइड टिश्यू मतलब इट हेल्प्स इन डिफेंस, ठीक है. तो लिम्फ जो होता है ना, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, हम पढ़ेंगे आगे कि लिम्फोसाइट दे आर एक्चुअली हेल्प और दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म. तो ये जो टॉन्सिल्स होता है ना, ये बनता किस, कौन से टिश्यू से बनता है, इसमें लिम्फोसाइट्स रहते हैं, लिम्फोसाइट लिम्फोइड टिश्यू से बनता है. तो इनका मेन फंक्शन जो होता है ना, इट कंट्रीब्यूट, दिस टॉन्सिल्स दे कंट्रीब्यूट इन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी और दे हेल्प इन द एक्चुअली हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म, दे हेल्प इन डिफेंस बेसिकली इफ यू सी, राइट. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ द टॉन्सिल इज नोन एज वॉल्डेयर्स रिंग. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे काफी सारे जो डायग्राम, एक सर्कल बनाया है, उसमें मैंने काफी सारा जो जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको मैंने मार्क किया है, उसको मैंने लेवल किया है. सो दोज आर एक्चुअली नथिंग बट दे टॉन्सिल्स, और उनका जो अरेंजमेंट होता है ना फैरिंग्स के रीजन में, फैरिंग्स में, क्योंकि फैरिंग्स जो है ना वो एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर स्ट्रक्चर है. नेक जो हमारा वो सर्कुलर होता है, तो वहां पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में, सर्कल में ये एक एक स्ट्रक्चर अरेंज रहता है पूरा, ठीक है, हमारे इस पूरे फैरिंग्स के एरिया में. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है, और इसको वॉल्डेयर्स रिंग भी कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं वॉल्डेयर्स लिम्फोइड रिंग्स, दोनों ही नाम से सही है, वॉल्डेयर्स रिंग या वॉल्डेयर्स लिम्फोइड रिंग्स, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं. अब देखो यहां पे जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, सारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा टॉन्सिल जो है मतलब वो पेयर में है, एक कोई भी स्ट्रक्चर जो टॉन्सिल है वो अनपेयर्ड होता है, ठीक है. तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डिस्कस करते देख लेते हैं, फिर से हम डिस्कस करेंगे. देखो पहला आप देख सकते हो फैरिंजियल टॉन्सिल, दिस इज द फैरिंजियल टॉन्सिल, दिस इज अनपेयर्ड, मतलब एक ही है, ये फैरिंजियल टॉन्सिल एक होता है. अगर नंबर कितना होता है अगर पूछोगे तो ओनली वन फैरिंजियल टॉन्सिल इज देयर, राइट.
इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे ऑपोजिट नाउन देख सकते हो, यहाँ पे है लिंगुअल टॉन्सिल, ये भी अनपेड, मतलब एक लिंगुअल टॉन्सिल होता है और एक फैरिंजियल टॉन्सिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ट्यूबल टॉन्सिल, ये पेड होता है, तो यहाँ पे आप अगर ट्यूबल टॉन्सिल देख रहे हो तो ये भी ट्यूबल टॉन्सिल है, दोनों ही ट्यूबल टॉन्सिल है, तो ये पेयर में होता है, ठीक है। सो ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे पैलेटाइन टॉन्सिल, ये भी पेयर होता है, देखो मैंने मेंशन किया है, तो ये भी पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये भी पैलेटाइन टॉन्सिल है। तो टॉन्सिल बेसिकली क्या होता है ना, टॉन्सिल बेसिकली दो तरह के होते हैं, होता है पेयर्ड टॉन्सिल, मतलब एक जो कि पेयर में होते हैं, दूसरा होता है अनपेयर्ड टॉन्सिल, जो कि पेयर में नहीं होते, बस सिंगल होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ट्यूबल टॉन्सिल के साथ अटैच्ड, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द यूस्टेशियन कैनाल। अभी हमने बात किया था ना कि यूस्टेशियन कैनाल भी आपके फेरिंस रीजन में आके ओपन होता है, सो दिस इज द एरिया, दिस इज द पार्ट वेयर यू कैन सी द यूस्टेशियन कैनाल इज एक्चुअली प्रेजेंट जस्ट बिसाइड द ट्यूबल टॉन्सिल्स, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि जो टॉन्सिल जो है वो बेसिकली देखो दो एक दो चीजें, एक तो है वो पेयर्ड हो सकते हैं या तो वो अनपेयर्ड हो सकते हैं, पहला ये चीज। दूसरा, टॉन्सिल्स बनते किससे हैं, उनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर वो कॉम्पोजिशन क्या है, दे आर मेड अप ऑफ लिम्फोइड सेल्स टिश्यू और लिम्फोसाइट्स। अभी लिम्फोसाइट्स और लिम्फोइड टिश्यू का काम क्या है, देयर फंक्शन इज टू फंक्शन इट इज इन दे आर वर्किंग और फंक्शनिंग एज डिफेंस, उनका काम क्या है, डिफेंस ब्रेन का काम रहता है, इम्यून सिस्टम में हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब अरेंजमेंट ऑफ द टॉन्सिल जो है वो सर्कुलर में हो, क्योंकि फेरिंग जो है एक सर्कल सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज वाल्डेयर्स रिंग। अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल को हम क्या कहते हैं, वाल्डेयर्स रिंग्स, वाल्डेयर्स रिंग्स कहते हैं हम, ठीक है, या तो वाल्डेयर्स लिम्फोइड रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, वाल्डेयर्स रिंग और वाल्डेयर्स लिम्फोइड रिंग्स भी हम इसे कह सकते हैं, फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जो लिम्फोइड टिश्यू है वो क्या बनाता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है, उसका काम क्या है, इसका काम है जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में आता है चला जाता है, मतलब फॉरेन जो बॉडीज है पैथोजन से, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो ये हमारे बॉडी में आ जाएगा, प्रोटोजोन्स भी हो सकता है, ठीक है, एमीबा भी हो सकता है। सो इसका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो है वो बनाना, और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, इट हेल्प इन किलिंग द पैथोजेंस व्हिच एंटर इनटू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विद द फूड, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, इनका जो मेन फंक्शन होता है, हमें ये हमें डिफेंस में कैसे हेल्प करता है, आप देख लो, समझो इसको समझना है। देखो टॉन्सिल जो है वो फैरिंग्स रीजन में रहता है, बिफोर आफ्टर द बकल कैविटी इट इज प्रेजेंट एंड बिफोर द ईसोफेगस स्टार्ट, है ना। तो हम कुछ भी जब खाते हैं, हमारे खाने में कोई भी अगर पैथोजन होता है, मान लो कोई बैक्टीरिया है या कोई भी और दूसरा पैथोजन है, तो उसको किल करने के लिए ये जो टॉन्सिल है ये कंटिन्यूअसली क्या बनाता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है, और वो लिम्फोसाइट क्या करता है, दोज लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, एक्चुअली हेल्पिंग इन टू किल ऑल द पैथोजेंस व्हिच आर एंटर इनटू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विद द फूड। खाने के साथ जो भी जो पैथोजन हमारे फूड के साथ आता है अंदर, उसको किल करने के लिए हम ये मतलब हम आज ये जो लिम्फोसाइट्स है ये बहुत यूजफुल होता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नाउ, अब देखो कभी कभी होता क्या है कि लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, किसमें, टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन हो सकता है कभी कभी, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो नेक पार्ट है वो थोड़ा स्वेल हो जाएगा, उनको एंगल्स मतलब कुछ खाने में या पीने में दिक्कत होगा, टॉन्सिल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा टॉन्सिल का साइज, मतलब टॉन्सिल स्वेल हो जाएगा, तो वैसा जो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं मम्स, मैंने पहले भी शायद नहीं आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, जान लीजिए आप, उसको हम कहते हैं मम, बेसिकली वो वायरस के लिए होता है, वायरस जो अगर हमारे टॉन्सिल को इन्फेक्ट कर देता है तो वो स्वेल हो जाता है, उसे हम कहते हैं मम्स, ठीक है, आपने सुना होगा मम्स डिजीज के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये जो मम्स जो है या जो इन्फेक्शन है ना, ये टॉन्सिल में बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, कुछ लोगों में देखा जाता है
कि some people they have the infection frequently, उन्हें बहुत मतलब common होता है, उन्हें बहुत होता है ये, उनका गला ठंड के मौसम में या जब अगर थोड़ा सा ठंड हो जाए या थोड़ा सा भी temperature difference हो जाए तो उनको ये infection हो जाता है, because of that they actually normally they used to suffer, and that is actually called viral infection से होता है, दूसरा कहते हैं mumps, क्या कहते हैं mumps, ठीक है? Now the human digestive system includes the alimentary canal and digestive glands. हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या हमें क्या क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा इसमें हमें एलिमेंट्री कैनाल भी मिलेगा और साथ में क्या रहेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी रहता है. अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हम वो सारा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो उसके पहले हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अभी हम एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्टोलॉजी है उसको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको आई विल शो यू द डायग्राम, आई विल डिस्कस द डायग्राम, देन आई विल कम बैक टू द पॉइंट्स एंड विल डिस्कस. Yeah, I will show you the diagram, so just wait. Just give me 1 minute. Yeah, so let us start. Sorry for that. Little pause. Yes, so you can see यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पहले ये समझना होगा ये डायग्राम हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं. देखो एलिमेंट्री कनाल इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो एलिमेंट्री कनाल जो बेसिकली ना एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है हमारे, इट विल कंटिन्यू टिल द एनस, ठीक है? तो ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम स्टडी करेंगे, उसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब अगर टिश्यू लेवल पे उसको अगर हम देखेंगे तो हमें उसमें काफी सारे लेयर्स मिलेंगे, काफी सारे उसमें पार्ट्स हमें मिलेंगे. तो बेसिकली हम देख सकते देयर आर यू नो लाइक बेसिकली 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेयर्स आर देयर, ठीक है? जो फर्स्ट लेयर होता है, जब जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर में आपको जो लेयर दिख रहा होगा, जिस फर्स्ट लेयर एकदम ऊपर वाला लेयर जो है उसे हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम. क्या कहते हैं हम उसे? विसरल पेरिटोनियम और सीरोसा. क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम और सीरोसा, ठीक है? सो द सीरोसा मेम्ब्रेन और द सीरोसा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है? एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम नोन एज पुलिसमैन ऑफ स्टोमक, ठीक है? तो जो फर्स्ट लेयर है उसको हम, वो बनता किससे है? ये बनता है स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है. इसका स्ट्रक्चर ये कौन से एपिथेलियम से बनता है? स्क्वैमस से. जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे बनता है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है. इसको हम नॉर्मली कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं? पुलिसमैन ऑफ स्टोमक भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको. पुलिसमैन स्टोमक हम किसको कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम को कहते हैं. एंड एज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल को बाहर से पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पुलिसमैन स्टमक, ठीक है? मेम्ब्रेन, ठीक है? नाउ दिस इज द यू नो लाइक द इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ओवर द डाइजेस्टिव ऑर्गन, दैट इज योर एलिमेंट्री कैनाल. ये फर्स्ट लेयर है. चलो सेकेंड लेयर की बात करते हैं. सेकेंड लेयर होता है मस्कुलर कोट, मस्कुलरिस, ठीक है? मस्कुलर कोट और मस्कुलरिस हम इसे कहते हैं सेकेंड लेयर. तो आप देखो दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, वी आर डिस्कसिंग हियर. So the muscularis or the muscular coat is composed of outer longitudinal and inner circular muscle fibers. ठीक है, ये किससे बना होता है? Outer longitudinal and inner circular muscle. मतलब इसके बाहर की तरफ कौन सा मसल रहता है? Longitudinal muscle रहता है. अंदर की तरफ कौन सा मसल रहता है? Circular muscle रहता है, ठीक है? And in between these muscle is a network of nerve cells. अब ये दोनों जो muscles रहते हैं, एक होता है circular, एक होता है longitudinal. बाहर की तरफ रहता है longitudinal, अंदर की तरफ रहता है circular muscle. और इन दोनों muscle के बीच में क्या रहता है? दोनों muscle के बीच में रहता है network of nerve fibers. यहाँ पे काफी सारे, बहुत सारे nerve cells होते हैं, nerve fibers या nerve cells होते हैं, ठीक है? Now these nerve cells or the nerve fibers
These are actually parasympathetic nerve fibers. These are what? These are parasympathetic nerve fibers. Okay, and which is known as or called our back plexus. Okay, these are called parasympathetic nerve fibers, which are known as our back plexus or myenteric plexus. These are called our back plexus or myenteric plexus, which control the peristalsis. जो peristalsis movement है उसको control कौन करता है? यही आपका जो जो parasympathetic nerve fibers जो है, which is present in between the circular and longitudinal muscle. These nerve cells are basically, these are parasympathetic in nature. अब parasympathetic क्या है, sympathetic क्या है, ये basic idea आपको 10th पे हमने पढ़ा था, तो हम इसको detail में और भी पढ़ेंगे जब nervous system पढ़ेंगे. So don't worry about that. बस आपको इतना जानना है कि मस्कुलर जो स्ट्रक्चर, जो आपके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच में कौन सा नर्व रहता है? पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स रहता है. काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन दी पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस क्या है पता है आपको? जब हम कुछ भी खाते हैं ना, तो हमारा ईसोफेगस के थ्रू जो फूड जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस. वहां पे ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है. ये जो ये सर्कुलर मसल हमने देखा ना अभी, जो मस्कुलर कोर्ट का सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है. इससे एक वेव मोशन क्रिएट होता है, which help the food to go and pass easily. ठीक है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं peristalsis. उसको कंट्रोल कौन करता है? ये जो nerves जो है आपके parasympathetic nerve fibers, which is present between the longitudinal and the circular muscle. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं और back plexus. और वो किसके लिए help, किस काम में help करता है? peristalsis में help करता है. I hope it is clear. Now next, the third layer. First हो गया, second हो गया, अभी third layer. ठीक है, third layer is your मिसेलेनियस प्लेक्सस. ठीक है, इसको हम कॉमनली दूसरा इसका नाम भी इसको बोलते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं. मिसेलेनियस प्लेक्सस और सब म्यूकोसल प्लेक्सस इज अनदर नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. देखो ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना है. पहले भी हमने देखा नर्व फाइबर्स का नेटवर्क है, लेकिन वो कौन सा नर्व फाइबर्स था? पैरासिम्पैथेटिक था. अब यहां पे उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं और एक नर्व का लेयर है. यहां पे कौन सा लेयर हम देख रहे हैं? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का. दोनों में डिफरेंस है. पहले वाला कौन सा टाइप का था? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स था. अभी दूसरे जो थर्ड लेयर है, वहां पे जो नर्व्स है वो कौन से टाइप के हैं? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं. तो दोनों में डिफरेंस है. नाउ दिस सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स प्रेजेंट बिटवीन द मस्कुलर कोर्ट एंड द सब म्यूकोसा. ठीक है, इसके बाद वाला जो लेयर होगा अभी हम पढ़ेंगे, मतलब सब म्यूकोसा एक लेयर है और उसके ऊपर हमने मस्कुलर कोर्ट देखा. तो सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर के बीच में एक और एक लेयर रहता है, जो कि नर्व फाइबर से बना होता है, नर्व सेल से बना होता है, जो कि सिंपैथेटिक टाइप का है. उसी को हम कहते हैं मिसेलेनियस प्लेक्सस. ठीक है, और सब म्यूकोसल प्लेक्सस. ठीक है, क्लियर है? चलिए, नाउ अब इसका काम क्या है? This it controls the secretion of intestinal juice. Intestine के जो भी juices हैं, उसका secretion को control करता है ये sympathetic nerve fiber, जो कि present is called Meissner's plexus कहते हैं. ठीक है? Now after that, the next layer we have submucosa. Now it consists of loose connective tissue richly supplied with blood and lymphatic vessel. अभी जो submucosa जो है, ये जो layer है आपका, हमने जो देखा after the Meissner's plexus. Meissner's plexus के बाद ये सब म्यूकोसा, it consists of loose connective tissue and richly supplied with blood and lymphatic vessel. तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत it is filled with, और कह सकते इसमें जो होता है ना connective tissue में बहुत ज्यादा होता है. अच्छा, यहाँ पे blood vessels पूरा बहुत ज्यादा रहता है. It is rich with the supplies of blood and lymphatic vessels भी रहता है. Blood supply यहाँ पे, वहाँ पे lymphatic vessels भी रहता है. Now at the end, the innermost layer. Now this is the part, this is the canal through which the food is moving. ठीक है, सो दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट. हम जो खाते हैं ना, ये अंदर से जाता है, तो हम लोग बाहर से अभी अंदर की तरफ आ गए. सो द लास्ट लेयर व्हाट वी हैव, वी कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड म्यूकोसा. ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, सो नेम्ड बिकॉज इट सीक्रेट्स म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द इनर लाइनिंग ऑफ द गट. ठीक है, ये जो है इसका नाम म्यूकस इसलिए भी है क्योंकि ये म्यूकस जो है सीक्रेट करता है, ताकि अंदर वाला जो ल्यूमेन है, अंदर का जो ल्यूमेन मतलब अंदर का जो ये खाली जो जगह है, स्पेस है, इसमें हम क्या, इसमें क्या करना है, इस पे अगर म्यूकस सीक्रेट होगा तो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ताकि फूड जो है, पार्टिकल जो स्मूथली इसमें मूव कर पाए. ठीक है, नाउ दिस म्यूकोसा इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स. अभी म्यूकोसा भी तीन लेयर से बना होता है, वो बहुत जरूरी है.
वो क्या क्या है, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथीलियम। तो इसमें जो म्यूकोसा है इसको हम फिर से फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू फोर डिफरेंट लेयर्स। वन इज योर मस्कुलरिस म्यूकोसा, सेकेंड इज योर लैमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड वन इज योर लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड वन इज योर एपिथीलियम। ठीक है, सो तीन लेयर होता है म्यूकोसा का। पहला होता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, दूसरा होता है लैमिना प्रोप्रिया, तीसरा होता है एपिथीलियम। ठीक है, सो दिस मच आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस फर्दर। थैंक यू, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ।